आप देख लो, मिस दिबाई ने आपको कुछ नहीं बोला। अरे मुझे पता है रे, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस मैं जस्ट एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं कि चैट जो भी चीजें लिखती है वो सही नहीं होती है। मुझे बस एक ही चीज का था जो मैं सबसे पहले क्लियर किया हूं, वो ये कि मैंने पूरे कास्टिंग में कहीं भी अनऑफिशियल का नाम नहीं लिया। ऑफिशियल कास्ट करते टाइम मैं अनऑफिशियल का नाम क्यों ही लूंगा भाई? ऑफिशियल कास्टिंग डेस्क पे बैठा हूं, वहां पे बैठ के मैं अनऑफिशियल का नाम क्यों ले रहा हूँ? मैप का तुम MVP निकालने लग जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जॉनथन को हेट करता हूँ भाई। हम मैं जॉनथन पूरी गॉडलाइक ने अच्छा टाइम स्पेंड करा है। मैं वीडियो बनाने के लिए गया था, हमने भाई अच्छा टाइम स्पेंड करा। हमारे बीच में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी कुछ है। घातक भाई से मेरी बात होती है, चीजें होती है, वहां गॉडलाइक के उस पे गया, हर एक क्रिएटर से मिला मैं, चाहे वो नियो, चाहे जी गॉड हो, क्लच गॉड हो, जो भी है, गुरु भी, क्रॉन्टन नहीं था उधर, अमर थे उधर, सबसे मेरी बातचीत हुई। ऐसा तो मुझे कहीं नहीं दिखा कि उनके लिए मेरे मन में या उनके मन में मेरे लिए कुछ हो। ना ही सोल के में ऐसा मैंने देखा। बहुत सारे नए प्लेयर्स आ गए जो बहुत ज्यादा एक्चुअली में ऊपर जा चुके हैं। अब अगर तुम्हें वो नहीं मानना है तो भाई मत मानो, फैक्ट्स तो फैक्ट्स हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते तुम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जॉनी खेलना भूल गया या उसको खेलना नहीं आता भाई। ऑब्वियसली अभी उसका टाइम नहीं चल रहा है, अभी वो उतना बढ़िया नहीं खेल पा रहा है, बट ऑब्वियसली वो करेगा। हम सबको पता है वो करेगा। जब एक सिंगल मैच में वो इंसान 10 फिनिशर्स निकाल सकता है, 21 टोटल फिनिशर्स उनकी टीम निकाल सकती है, तो बाद में क्या वो नहीं कर सकते? परसों के दिन पे भी तो हमने यही चीज बोली थी ना कि जब गॉडलाइक को जब जरूरत होगी तो वो निकाल लेंगे, वो मैच उस तरीके से निकाल लेंगे, उनको पता है कैसे खेलना है। तो उस टाइम तुम मेरे साथ होते हो, और अगर वहीं पे थोड़े से नंबर्स एंड बाकी सारी चीजों के बारे में बात कर ली जाए तो तुम मेरे खिलाफ होते हो। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन पे जरूर उनका जो गेम है वो टॉप लेवल का हो और वो टॉप पे पहुंचे। कम से कम इतना ऑडियंस के भसड़ मचाने के बाद तो जरूर पहुंचना बनता है नंबर 1।